क्यों तकलीफ दे रहा है तू? अरे बहुत जल्लाद है ना रे तू, तेरे से डर लग रहा था ना रे, क्यों बुलाया रे तू? मोबाइल में बताता रे तू सब कुछ, सब तेरे पे झुक जाते। अरे मोबाइल में तेरे सब झुक रहे, क्यों बुलाया मोबाइल में डालता तू, सब तेरे पास आ रहे। अरे तकलीफ क्यों दे रहे? अरे गुस्सा आ रहा मैंने मैंने नफरत फैला दिया, उसके आदमी को मैंने रोक दिया, उसके बच्ची को मैं मिलने भी नहीं दे रहा। हाँ वो बहुत चाहता, मैंने नफरत पूरे खानदान में फैला दिया रे। अरे तेरे पास डर लग रहा है कि यूट्यूब पे डालता रे तू हाथ? अरे छोड़ना खाता, छोड़ना रे तू जला के राख कर देने वाला मेरे को लगा था रे तू। रात भर तू मैं यहाँ सोया नहीं ना, क्योंकि मेरे को तू ही दिख रहा था कि जल्लाद आने वाला है रे तू, सबसे ज्यादा खतरनाक है रे। बाप रे क्यों बुलाया रे तूने? यूट्यूब पे क्यों देता तू? तेरे पास सारी जनता आ रही रे, यूट्यूब पे देता क्यों दिया यूट्यूब पे रे तू? तेरे पास सारी जनता आने लगी रे। अरे अरे मतलब आ रे तेरे इसके पास का इतना मत लगा, बहुत जल्लाद है ना ये, बहुत जल्लाद है ना रे ये। हाँ लगा पूरी ताकत लगा तेरी की तो जलाओ उसको और तेज जलाओ। कुछ भी नहीं लगा तेरे सामने, किसी की भी ताकत नहीं है तेरे अल्लाह के तमाम में बहुत। अरे तूने ढीला कर दे, क्यों इतना लगाता रे तू क्यों रे? अरे 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 क्यों रे तूने जलाओ बहुत है, तूने ढीला बना दे, देख रे देख रे तू
अरे 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 बाप रे बाप अरे अरे क्या डाला रे तू क्या डाला रे तू क्या डाला रे तू क्या डाला रे तू क्या डाला रे तूने क्या डाल अरे कमजोर कर दिया रे तूने अरे अब नहीं छोड़ता ना अब नहीं छोड़ना ना चलाओ उसको और तेज चलाओ उसको माफ कर दे अरे माफ कर दे वेर कर दिया रे चल पता कितने साल से उसके आंख पे अरे कितने साल से परेशान कर रहा था जबड़ो उसको तो सब मालूम पड़ गया रे क्यों पूछता रे तू तू तो अल्लाह का बंदा है तेरे को सब समझ जाता तू तो सब कुछ समझ गया रे तू तो भी पूछता रे तू क्यों पूछ रहा है तू क्यों पूछ रहा मैंने मासूम से रहन ने करा रे बच्ची 6 महीने की पेट में थी रे ए जब आई थी तो इसका आदमी बहुत अच्छे से मैंने नफरत फैला दिया इसको लेके जाने नहीं दिया अब इसका आदमी तू आदमी को जला रहे है इसका आदमी सामने आ जाएगा रे हाँ तेरे पास जब मैं आया والمغرب لا يمكن والمغضبين والنعمة والمقالين إنا لدينا أنكال ودمتهم وغوص ودمالظهر عليم يوم طار ودفت الزبال كانت بل وضبا معيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إليكم رسولا فعاد يا رسول كان ودوه مفعولا إنا هذه يقاتلون في سبيل الله وما يدرون أنهم سلطة وتزكاة وخيرهم وخير حسن وما تقدم لأنفسهم من خير تجده إن الله خير وعز وجل واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. अरे बात मत करो जबरो तेज से और भगाओ पेट में से यार जला दिया तेरी यही तमन्ना थी ना रे अब तो जला दिया ना तेरे काय की ताकत है तेरे हाथ में अरे तेरे को अल्लाह की बहुत देना है अल्लाह की ताकत है तेरे चल सवाल जवाब दे मेरे कहीं मिला खिलाए थे उसको वो नहीं मान कैसा आया फिर उसके आंग में झूठे बात कर रहा कैसा नहीं मालूम तेरे को नाल आया फिर आया क्यों तू उसके आंग में कहीं मिला खिलाए थे और कौन खिलाया था वो नाम बोल उसका मुझे जल्दी तेरे को तो मालूम मेरे जबानी नहीं बोलता मैं तो समझ गया तू नहीं तेरी जबानी सुनाना पड़ेगा पूरी दुनिया को तू समझ गया ना तू चला देता हूं तेरे हाथ काट के नहीं अरे मत काट ले रे बहुत तकलीफ देता ना तू चल जल्दी तेरे को बहुत ताकत है रे अल्लाह की बहुत देन है रे तेरे को जल्दी क्यों बुलाया रे तूने तेरे को हां बता क्या पूछा मैं जवाब जल्दी नहीं आदमी आ रहा ना रे याद तो नहीं आ रहा रे काट लेता हूँ तेरे हाथ तो याद ही दिला के रहेगा तू भी बंदा वो है चल बताओ बच्ची पे जादू करते डब्बे क्या लिखे थे उसका क्या नाम है पेशेंट का शमीम परवीन का क्या लिखे थे जादू करते टाइम पे कपड़ा बाल मट्टी क्या लिखे थे क्या लिखे थे घर के बाल हाँ घर के बाल लिखे थे और उनका कपड़ा कौन सा वाला कपड़ा बता जल्दी नहीं तो पूरा भस्म करूंगा जल्दी चलो उसके हाथ काट नीचे पड़ो उसको और अपन तू तो करने लगा रे अभी तक तो मैं तलाक पे बैठा था मैंने इसने बात करी कई बार इसके ससुराल वालों से मुझे तलाक दो पर वो लोग तलाक के लिए राजी नहीं हुए मैं तलाक कर क्यों बुलाया तूने भी क्यों यूट्यूब पे डालता रे तू बहुत खतरनाक है ना रे तू जलाओ इसके हाथों में और तेज से आग लगाओ
तेरे को बता ही देना पड़ेगा मेरे को, तू जला देगा, तू तकलीफ मत दे रे तेरे पास बैठ के। चल बता किसने डाली थी, कहीं मिला के ली थी? नाम तो याद नहीं। इसको क्या करना था? तू बीमारी मारने वाला था? कैसे मारने वाला था? नहीं मैं मारने वाला तो नहीं था रे। फिर क्या कर रहा तू? फिर क्या कर रहा तू? मैं घुला रहा था रे, हमेशा पेट में तकलीफ रहती रही। तेरे को कहाँ से लाए थे? खबरस्तान से लाए थे, मसनवाड़े से लाए थे पकड़ के? ठीक है तेज चलेंगे। मेरे को रुक 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 सोचने दे, मसान से लाए थे रे, मसान से लाए थे रे, मसान से लाए रे, तेरे सामने मैं सर झुकाता हूँ। अब तो तूने लगा दिया जिंदगी से, इसके माँ बाप को मैंने रुला दिया। बहुत गरीब है रे ये, बहुत गरीब है ये, पेट को भी मोहताज है, पर मैंने इनको पूरा बर्बाद कर दिया। इसके माँ बाप गरीब है, पेट को मैंने मोहताज कर दिया, इनको पूरी घर बरकत ले लिया, इनके पूरे खानदान में मैंने झगड़े लगा दिया। पर इन्होंने तो मेरे को एक अफसर के पास लेके गए थे रे, कमरा होती वहां पे मेरे को दिखाई रहे, पर तेरे जैसा थोड़ी था, उन्होंने सिर्फ अदर करा था मेरे को, पर जला उसने कुछ नहीं करा। मैं तो बाजू हट गया था उसके पास से रे, उसको मैं बोला था कि मैं चले जा रहा हूं, पर वो तेरे जैसा नहीं, तेरे जैसा बंदा नहीं है रे, कहीं वो जला दे रहे थे, कुछ पूरी अल्लाह की देन है रे। क्यों डालता तू यूट्यूब पे, क्यों दुनिया को बुला रहा तेरे पास रे, तू सबको अच्छा कर रहा है तू, तुम लोगों सुन दे रहे ना, लोगों को बोल के बुला रहा हूँ। नहीं अरे तेरा यूट्यूब पे देख के आ रहे ये लोग। हाँ तेरा यूट्यूब पे, जब से ये लोगों ने देखे तेरा यूट्यूब पे तो तेरे को खुदा मानने लगे रे। नहीं बोले ये बहुत अच्छा है, बोले और झगड़ा उसको, मारा उसको, नाला को खत्म किया। कौनने ली थी वो औरत था, आदमी था, किसने लाया था? कौन था वो? इसके माँ के तरफ के रिश्तेदार थे, इसके बाप के तरफ के थे, इसके ससुराल के तरफ के थे, घर के तरफ के थे? किधर के थे वो, कौन लोग थे वो? बाजू में था रे। घर था रे। क्या दुश्मनी थी वो? ये बच्ची पहले बहुत अच्छी दिखती थी ना, बहुत अच्छी दिखती थी, तो उसने घर के बाजू में कौन था? घर का बुड्ढा था, गैर था रे, मेरे से पूछना था, गैर था। बच्ची बहुत अच्छी, अपने आप पे बहुत भ्रमण करती थी रही है। तो फिर उसने इसको ऐसा कुछ कर दिया रे, ये जिंदगी मत करे, नहीं रहने दिया। मैंने इसका पहले घर से तलाक करा दिया रे, 15 दिन में मैंने तलाक कराया, दूसरे जगह दिए। तो बहुत खुश थी बच्ची, करोड़पति में गई रे, गरीब की बच्ची। तो मैंने वहाँ पे बहुत झगड़े लगाया, पूरी नफरत फैला दिया मैंने, मैं नहीं आनंद दे रहा। तब तो तूने तो लगा दिया जिंदगी से, माँ बाप भीख मांगते रहे, उनसे पाँव पड़ते रहे, मेरी बच्ची को निभाना, हम गरीब है, हम गरीब है, मैंने आनंद नहीं दिया। पर तूने तो अब जिंदगी से लगा दिया, तूने तो अब उसके आदमी को बुला लिया, जबकि ये कई सालों से तड़प रहे उसकी शक्ल देखने के लिए, ये बच्ची भी आदमी के लिए तड़प रही, पर अब तुम्हें मिला दिया, अब तो वो शाम को ही आ जाएगा, तुम्हें कुछ जला दे रहे। घर ने खिलाया था रे, कहीं में मिला खिलाया था उसने, कहीं में तो हाथ तो छोड़ दे, जकड़ लो उसको, तेज जकड़ो उसको। देख रहे हो? हाँ बोल। मसान से लाए थे। हाँ कहीं में मिला खिलाया? हाँ हाँ शाकाहारी खाना था। क्या था वो? दाल चावल रोटी। जो बाजू में घर था वो तो दुनिया में नहीं रहा है। उसने बहुत बुरा करा। कब खिलाया था उन्होंने उसको? तो बहुत साल हो रहे हैं। कितना? उसको तो कम से कम बच्चे की शादी भी होने की थी रे पहले। अच्छा कौन था बाजू वाला था? कोई बुड्ढा था फटनाड़े, उसने खिला दिया वो साल से गुजरे। इसको ये अपने आप सब जगह गए, पंजाब में गया, तू बहुत खतरनाक है, तू बहुत लग दे रहा है, अब थोड़ी जान देता तू। अब तो तू जला देगा, वो जला दस्ती है तू, तेरी 5 साल चाहे उसके, अपन देखे नहीं 5 साल से उसको। मैंने तो नहीं देखा, मुझे 6 महीना चालू था बच्ची पेट के भी, जब से बच्ची की चेकअप के लिए लाए, मैं बोला उसके आदमी को तू वहीं जा, बुरा दान दे, जब से आने नहीं दिया।
टैंक से लगवा दो खोलो पूरा भी नहीं देता रे अब उसने छीन लिया तूने मेरी जो इनको जोश दिलाता था बच्चे को जहन गरम करता था मैं पर घर पे झगड़ा लाया था अरे मैं देख तू ये देख रुको 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 बाहर रुको जरा नंबर आएगा जब ये करो सुन मेरे से मेरा सवाल सुन मेरे को जला दे सुन रहे क्या मैं बहुत दिन से तो वैसा भी मैं बहुत परेशान हो गया रह रहे थे एक ही जगह चलो जला दे सुन और क्या लिखा था बच्ची का सर के बाल और आंख के कपड़े और शाकाहारी खाने में मिला के खिलाए थे हाँ कपड़े और बाल कहाँ गाड़ा उन्होंने शमशान में गाड़ा कब्रिस्तान नहीं नहीं कोई बड़ा का झाड़ है वो अच्छा बड़ के झाड़ के नीचे है तूने तो निकालने लगा दिया तेरे जगह पे तूने निकाल भी डाले रे उन्होंने अब थोड़ी बरसा तो उसका पावर तो तूने खत्म कर दिया देख एक बड़ का झाड़ है उसके नीचे बच्ची के बाल और कपड़े पूरा निकाल दो उसके कपड़े बाला कहाँ गाड़े आले होना निकाल के चला निकाल दिया तेरे बोलने से पहले निकाल दिया ना रे बड़ का झाड़ है नदी किनारे बड़ का झाड़ है जहाँ नदी किनारे बच्ची के घर के पास नदी है नदी के पास बड़ का झाड़ है सब लोग जानते हैं ये जाते हैं किचड़ कबड़ कमी नहीं किचड़ अरे 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 क्या नदी क्या बड़ का झाड़ बड़ का झाड़ है एक मौका दिया मनते को जाने का अगर दूसरी चक्कर में दिखा मैं तो पूरे टुकड़े कर दूंगा चल भाग जा भाग सीधा भाग जल्दी कम वक्त अंदर ग्लास में तो गरीबों का दाता है रे तूने वो आदमी को पर मेरा सवाल ये है रे जाते जाते एक सवाल करता मैं तेरे से ये बच्ची आदमी के लिए बहुत तड़प रही इसकी मासूम बच्ची बाप के लिए तड़प रही है मैंने रोक दिया अब इनकी मिलाप कर दे रे तू बहुत बुरा मारने लगूंगा दूसरे चक्कर में दिखा तो पूरा लेड़ा के मारने लगूंगा मैदान अरे मिला दे बच्चे इसका अब देख इसके मदद के फोन आएंगे रे बहुत तरह से बच्ची फोन लगाती है मियाँ को उसके सलाम करती इसका आदमी बोलता कि मेरे पास जवाब नहीं है सलाम का पर बच्चे ने किसी के तरफ आज तक नजर उठा के नहीं देखी रे कोई गैर आदमी को रे घर के घर में रही रे किसी को भी नहीं देखी अल्लाह का नाम हर टाइम लेती मेरे को नफरत होती थी अल्लाह का ही नाम लेती अल्लाह का ही नाम लेती नमाज ही पढ़ती सीने में हर टाइम बस अल्लाह तू मरने से पहले कौन था कलमा बन रहा मुसलमान बन रहा इबादत करने वाला बनेगा बोल हाँ कलमा पढ़ता क्या ए कुछ नहीं होता डरो मत मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता रे पढ़ाता क्या तो तू तेरे काबू में ले लेगा ले लेना फिर मैं वैसा भी इनके घर रहने को परेशान हो गया ना चल पढ़ बोल बिस्मिल्लाह इनका घर पूरा वो जो खिलाटा हुआ है ना वो भी चल बोल निकाल के फेंक इनके घर में और कुछ गाड़े आले जादू चीज हां कहां पे गाड़े आले हो जो फैल का जितना भी इनका आवार है जहां पे झाड़ लगा के लगा है हां पूरी जगह भर ली है अच्छा जमीन में भी कुछ गाड़े आला है दफिनों पे हां कहां पे जितना भी बाहर का है ना अंदर कुछ नहीं है जो घर का गेट है जो घर का पूरा घर है जो इनका झूला पहला बाथरूम था ना सुंदर बाथरूम बाथरूम से लेके जगह पे इन्होंने बनाया गेट बैठा है पूरा भरा हुआ है
जहाँ पे ऊपर जो फर्शी है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मिट्टी का है इनका, पूरी जगह खिलाटी भी है रे। वो चमार था ना जो मेरे को जिससे लाया था, वो तो दुनिया में नहीं रहे रे, उसने इनके घर का बुरा कर दिया। क्या नाम था उसका? नाम बता तू, तेरी जबानी क्या रे, क्या करता कुछ भी। जो पूछा मैं उसका जवाब नहीं था, और मारने लगूंगा चाहे वो बोले जल्दी। वो महादेव चमार था। हाँ महादेव चमार था, उसने खिलाया बुरा था। उसने इस पर बोला नाम किसी का भी डाला रे, कहीं बोलता था इसके घर वाले ने खिलाया, इसके चाची ने खिलाई, कहीं बोलता था इसके चाचा ने कर दिया, मैं भटकाता था सबको। उसने बोले तो आड़ डाल दिया था उसने, वो बोले चमार बोले ये तो मेरे पड़ोसी है, अगर मेरा नाम मालूम पड़ जाएगा तो फिर तो ये खतरनाक लोग है, मेरे को तो बहुत मारेंगे। तो उसने आड़ डाला था, चाची ने करी, चाचा ने करा, रिश्तेदार किसी ने भी नहीं करा रे। कसम खुदा की तेरे सामने कसम खा के बोलता रे, तेरे सामने झूठ नहीं बोलता रे, तेरे सामने झूठ बोलने फायदा नहीं है, तेरे सब समझ जाता रे। उसने सिर्फ आड़ डाला था, बोले कि मेरा जब मालूम पड़ेगा ये लोग खतरनाक है, मुझे बहुत मारेंगे, मेरे घर वो मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों को परेशान कर रहे, क्योंकि एक बाजू रहती है अपन पड़ोसी है, इन्हें खानदान का उसने खानदान का नाम डाल दिया था। बोले क्या मेरा जब मालूम पड़ा आपने बहुत जेर कर दे मार मार के, तो बोले कि इनके रिश्तेदारों का नाम बता दो। तो फिर चाची का, चाचा का, रिश्तेदारों का कहीं बोलते थे, कहीं कई बार बोले रिश्तेदारों ने बच्ची को लाने का ढंग नहीं है, आदमी बहुत अच्छा, इसका सबों ने बुराई करे, बच्ची को लाने का ढंग नहीं है, हाँ ये अच्छी नहीं रहती, पर बच्ची तो बहुत अच्छी है रे, किसी को आप उठा के दे, पर आदमी ने जब से छोड़ा जहाँ पे गिर गए गेट के बाहर कदम नहीं है ये बच्ची का, कोई गैर आदमी को भी नहीं देखी सिर्फ अल्लाह के सिवा, ये मेरे को भरता भाता अल्लाह का नाम लेती, बार बार अल्लाह का नाम लेती, बस बोलती मेरा अल्लाह है, मेरे अल्लाह के सिवा, अल्लाह ने तो तेरे पास भेजा रे, बच्ची ने बहुत दुआ, अरे दरगाह पे गई, हर हर जगह गई। मैं बोलती थी कि अल्लाह मालिक मेरा खून है, कोई रास्ता दिखा दो, रास्ता मोबाइल देख रही थी रे ये, अरे तो तेरा दिख गया, तू दिख गया रे, फिर तो मेरे को ऐसा लगा अब जाते, मैं रोकने की कोशिश करा तेरे पास आने की, अरे बहुत कोशिश, पर इसके माँ बाप बोले है कि जाना है वही हजरत के पास, जाना है खानदान बोली कि जाना है यूट्यूब वाले हजरत के पास, उनके जैसी हमने अस्थि कहीं नहीं देखे, चेहरा तो बहुत तारीफ कर रहे इसके माँ बाप, जब यूट्यूब पे तेरे को देखे ना तो बार बार तेरा देखते रहते हैं, दिन दिन भर कुछ नहीं देखते, बस तेरा यूट्यूब हजरत बहुत देख रहा था, नहीं देख रहा था यूट्यूब मेरा, देखा रे, देखा ना, तो मैंने फिर आड़ डाल दिया ना, मत जाओ, कभी सोचता था चले जाओ, चलो वहां से जाएंगे बाजू होके आ जाएंगे फिर आंगे, मैंने ये सोचा, पर तू ऐसा थोड़ी है, तू तो सबका बाप है रे, बाप है ये क्या है, तूने तो पूरी ताकत खींच लिया रे, जेर कर दिया रे तूने, जेर कर दिया रे, उसके माँ बाप तेरी बहुत तारीफ कर रहे, लेकिन बचाएंगे तो बोले हजरत, और जिंदगी से लगाएंगे तो आज भी उसके घर में दुआ चालू है, हजरत तुम्हारे पास आई माँ, बहुत तेरे से माँ बहुत दुआ कर रही उसकी, बोलती हजरत तुम्हारे पास है, नहीं मैं आया, फिर मैंने जहन में डाला, माँ बाप बोले वही हजरत के पास जा रहा, यूट्यूब वाले हजरत, सिर्फ माँ बाप की एक ही रट लगी थी और इसके बहन की, यूट्यूब वाले हजरत तेरे पे तो बहुत आशिक हो गए थे, वो बस तू ही दिखता था हर टाइम, उठते बैठे तेरा नाम और तेरी फोटो देखते थे, क्या कर दिया था तूने यहाँ से, बस वो हजरत हजरत बहुत अच्छे हजरत है, बहुत अच्छे हजरत, अभी भी तेरी तारीफ चालू है घर के अंदर, तीन रस्ते में उनके अठरे डालूंगा इधर नहीं आना बोल के। हाँ डाला, क्या क्या करा था, फिर सोचा चले जाना, कभी बोला कि जान दो बच्ची को, जब गलत हालत में रहेंगी ना बच्ची तभी चले जाएंगी, गलत हालत में तो निकालता ही नहीं तू, फिर वो बच्ची नहाई बोली कि अब तो मैंने नहा ली, मैं हजरत के पास जाती, तो फिर जान दे
फिर ये डबल थोड़ी तेरे पास आते थे, पर ये घर में एक हजरत है, हर बच्चे हमेशा अल्लाह का नाम रख लेती है, हमेशा जल्दी बोल। सबसे पहले बोल, मैं गुलाम बोलना बोल। मैं एक सवाल करता जाते जाते, देखिए बच्ची को हर जगह दरगाह पे हर जगह गई, ये बच्ची बहुत रोती है अकेले में मदद के लिए, बच्ची बहुत परेशान मासूम बच्ची भी पक्का पक्का करती, पर मैंने मिलने नहीं दिया है। देख इसका आदमी अब आ जाएगा, मैं चले जा रहा, मैं आदमी बन के रह गया था, मैं इसके साथ आदमी बन के रह, जब भी सोती थी तो मैं सोता था, जब भी खाना खाती थी तो मैं खाना खाता था, मतलब मैं आदमी जैसा रहने लगा था, मेरे को दूसरा इसका आदमी मेरे को अच्छा नहीं लगता था, आदमी तो बहुत है। देख उधर तुमने क्या करा रे, और देख कैसा तड़प रहा उसके लिए आदमी आने के लिए, जबकि इन्होंने कितना करे रे आदमी, ये तो आया ना तो तूने बुला दिया रे, तेरे को बहुत मानेंगे रे ये। चलो पढ़ा, मैं क्या बोल, पढ़ा रहा हूँ, नाम बोल, मेरे को क्या था तेरा नाम, क्या था तेरा नाम, मरने से पहले क्या था नाम, तुझे नाम नहीं रखा था उन्हें, तुझे नाम नहीं रखा था उन्हें। चलो पढ़ बोल बिस्मिल्लाह। नहीं पढ़ता तो बंदे ना, तू मेरा गुलाम बनेगा, गुलाम बनेगा तू, बहुत जागरूक होके शमशानों को इतने लोगों को परेशान कर रहा था, जल्दी मार मार के पूरा भस्म कर दूंगा। अब तो तूने क्या भेजा इनके घर पे, तो तूने अब रौनक भी ला लिया रे, बरकत भी ला लिया, मैं तो सब छीन लिया था। देख तेरे वो वहाँ पहुँच गए, पहुंचा दिया इतने दूर, मैं नहीं निकाला, नहीं दे रहा था तो तूने निकाल लिया, झाड़ के नीचे के कपड़े निकाला, हाँ, और उनके घर में का खिलाता हुआ भी निकाल डाला, अब अच्छा कर दिया, बरकत भी ला लिया, मैं तो खैर बरकत छीन लिया, अब सबको नमाज रोजे से भी लगा दिया। तेरे बाप का राज चल रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था इतना, तू तो अब सब निकाल के करें, राइट? अब तू जला दे, तूने अब थोड़ी जान देता, तू तेरे नहीं जाने देता, दो ऑप्शन है तेरे पास, गुलाम बन रहा क्या बोल, अब बनाता क्यों, बुला तो बना तेरे पास, यूट्यूब पे क्यों डाल रहे तू, सारी जनता आ रही है तेरे पास, तेरे पास सारी जनता, तू यूट्यूब पे देख रहा था मेरे के लिए, पता भी, हाँ मैंने भी खुद देखा, तो बच्ची देखती थी, बच्ची बस तेरा ही नाम लेती थी, खाना नहीं खाती थी, बच्ची खाना खाती थी, तो बस टीपू सुल्तान हजरत, टीपू सुल्तान हजरत बुला लो, खुशी हो रही थी, डर लग रहा था। अरे तो ये बच्ची तेरे पे बहुत ये हो गई थी, अरे बच्ची तेरे ही तो नाम लेती, सोते उठते खानों पे भी तेरा नाम, तेरे पर टीपू सुल्तान हजरत मेरे को मिल जाए बच्ची, देखा यूट्यूब पे मुझे तो डर लग रहा था, खुशी हो रही थी। अरे तो मैं गलत हालत में ला रहा था ना ये बच्ची को, बोला मैं, पर बच्ची ने तैयारी करी गलत हालत में, फिर बच्ची क्या उसकी जो हसरत है ना, उन्होंने बोले इसको गलत हालत में मत लेके जाओ, वो चेक नहीं करेंगे, हाँ उन्होंने सही हालत में भेजे, हाथ धो के तेरे पास, तो मैं गलत इसमें ला रहा था, मैं बाजू ऐसा कर रहा, जा रहा क्या गुलाम बन रहा है, तू जैसे तरीके से बोल, मैं जाता नहीं, मैंने बहुत कहां जाने वाला तू, लगा दे तू जो भी करता तो कर दे, बहुत सालों से पूरे मैं परेशान हो गया, घर के अंदर पेट में की दवा सब निकाल देना, उसको उल्टियां लगा के मोशन लगा के उल्टियों में सड़ा सारी दवा निकल जाना, और दूसरी बात क्या बोलते, तो गुलाम बन के रहना पड़ेगा तू, चल पढ़ जल्दी, चल बोल किसका गुलाम है तू, किसका गुलाम है तू, अरे तू मैं गैर हूँ ना भाई, तू कैसा मुझे कलमा पढ़ा रहा है, टीपू सुल्तान का गुलाम है तू, तेरा ही गुलाम बना था, मैं वो भी देखा था तेरा, मेरी घर वो बच्ची तेरे ही नाम लेती थी, तेरे पे आशिक हो गई थी, रहा नहीं बन रहा पड़ती थी। चल अभी गुलाम बन जल्दी, उसके बाद ऐसा इलाज करता रे तू, ऐसा इलाज करता कि बाजू भी खड़े बन जाता, तेरे सामने बुला लेता रे तू, बुला लिया।
छोड़ो के बाद खड़े रहने का सोचा था तूने, ऐसा सोच के आया था तू कि उसको अंदर भेजेगा तू बाहर जाकर खड़े हो जाएगा। मैं ये सोच के आया था, मैं बोला ट्रेन में बैठते समय चले जाएंगे सब, अब जान दे रहा तू जान देने वाला है, तेरी ताकत अंदर की ट्रेन में ले चले। चलो मार दे रहा उसको, और मारो तेज से मारो उसको, क्या जला रहे तू, खूब मारो उसको, अरे मत तेज से मारो उसको, क्या जला रहे, काई क्यों मार डाला तूने। मैं बोल रहा इसको जो बच्ची का जो भाई है उस पर भी मेरा था साया, मैं काम भी नहीं जाने देता था इसके भाई को, मैं गलत लाइन में लगा दिया इसके भाई को, मैं शादी भी होने दे रहा था गलत लाइन में मैंने लगाया था, नमाज को भी नहीं जाने दे रहा था, सब कुछ मैंने सिर्फ उसके घर में इसके बाप को थोड़ी तकलीफ दे दिया। दूसरे बहन को क्या करा, उसकी माँ को क्या करा, उनको भी मैंने दिया, अभी भी झगड़े लगा दिए, अभी 15 दिन हो गए रे, एक महीना के करीब जो मियाँ बीबी के झगड़े हुए थे, वो यहाँ पे आ गई थी रे, एक महीना गई रे, वो एक महीना गई, मैंने बुला लिया था इसके बहन को थोड़ा सा साया, पर अब नहीं रहा, अब नहीं रखा था मैंने, उनके भी झगड़े लगाया मैंने, उनके भी झगड़े लगाए। चल अब कैसा करता, झाड़ू मारने आती तुझे, झाड़ू मारने आती, बर्तन धोने आता, क्या काम आता तुझे, अब तू इसके आदमी को बुला देगा ना, अब तू भी बता रहे तेरा ये बच्चे आदमी के लिए तरस रहे, सच है मेरा, पर फिर आदमी का नाम लेती रही, अल्लाह से भीख मांगती, अल्लाह मेरे ये मासूम बच्ची नमाज को बिठाती, अल्लाह बच्ची बोलती मेरे पप्पा को भिजा दो अल्लाह ताला, पर मैं इनके धोबी को भी धोन दे रहा था, इनको फेंका दे रहा था रे ना, ये महारानी थी पूछ ले तू किसी से भी जितने उसके साथ आए तो इंडिका में गुनती थी मेरे को जलन हुआ, मारो उसको ना लाए पुलिस के बन के डालो और सारी दवा खींच लो उसकी पूरी जमा दवा को जगह जमा करो और उल्टे में मोशन में निकाल दो सारी दवा उसकी। चलो बैठो इधर, कौन बैठ रहे दूसरे को, दूसरे दो कैसे कौन है, आ जाओगे जाना बैठो, जाना जाना, वो कौन है, ये कौन है, चला पूरी ताकत से, कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा उसको, क्या बिगाड़ा उन्हें तेरा, हाँ क्या तेरे बच्चों को मारा उन्होंने, तेरा घर जलाया, क्या करा, हाँ चला चला और जोर से चला, जोर से पूरी ताकत लगा के और जोर से लगा पूरी ताकत, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चला पकड़ लो इसको, पन्नी पकड़ो, पन्नी पकड़ो, पन्नी पकड़ो जी, पहले तो पकड़ लो उसको, पकड़े से रंदे रंदे तो आते हैं, तो जल्दी से उनको निकलना है, कैसे गाड़ी से पानी दम कर करके पिलाओ, एक जन पानी डालो यहाँ पर आगे, कौन से इसमें डालो,
ये इसमें डाल दो, मुझे तो के गिलास डाल दो ना, डाल दो ना उसमें पिलाने का है। दम करके आ चला आगे लो, वो पन्नी मत हटा वहाँ पर, सुन तो पन्नी हटाओ मत, बोल कमा डाल दो उसको, अब मारो बोले थे। बाहर लेके जाओ, लगा पूरी ताकत, लगा जोर से, लगा पूरी ताकत, चला पूरी ताकत लगा जोर से, और जोर से दरवाज लगाओ, बंद डालो इसको, बंद के डालो इसको, कमजोर करके पूरा खत्म कर डालो इसको, बंदो उसको और तेज से बंदो, अभी चक्कर तक नहीं, सब याद करके आगे सुनाना, सब पेट में कौन डाली थी, कहाँ से डाली, डाली किसने खिलाया, कौन जादू चलाया, कब मारने आए थे, पानी डाल डाल के पिलाते जाओ जी जल्दी, अरे जब तक पानी डालो उसको, पानी पिलाते जाओ दम कर करके जल्दी, खिला के चढ़ावा।